Assalamualaikum everyone, this is Aniksha and I'm going to share with you guys a past paper of anthropology and we will be discussing ke past paper mein kis tarah se aa rahe hain aur syllabus mein abhi tak jitne bhi questions aaye hain unka pattern kya tha aur 2021 ka jo past paper tha usko bhi hum go through karenge in detail. First we will be looking at the syllabus. Okay, yeah. So it has been divided into different sections. के anthropology की definition है, social anthropology है, उसके अंदर within social anthropology, family, marriage, kinship, economic organization, religion, political or and contemporary human problems. अब इसके अंदर जो pattern follow किया जाता है जो अभी तक पिछले 6 सालों से किया जा रहा है और उसमें ऐसे ही आ रहा है कि anthropology से related question आते हैं, recent trends आते हैं. आप रीसेंट ट्रेंड्स में बता सकते हैं कि रीसेंट रिसर्च कौन सी हो रही है, रीसेंट जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन इश्यूज हैं, उनको एंथ्रोपोलॉजी कैसे कैटर कर रही है. सोशल एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंट उसकी डिवीजन हुई भी है, मैरिज में, फैमिली में. इसके अंदर जो डिपेंड करता है वो इस पर करता है कि आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की है. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम कंप्लीट इसकी रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग के बगैर हमें नहीं पता चल सकता कि एग्जैक्टली हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन किस तरह से आया है. क्योंकि क्वेश्चन कहीं कई बार बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है और कभी कभार बहुत जेनेरिक होता है. तो अब इसी के अंदर अर्बन एंथ्रोपोलॉजी आता है, सोशो कल्चरल चेंजेस आते हैं, एथनिसिटी एंड रेस है, एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज हैं और एंड पे एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स हैं. अब थीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीरीज ही आगे एथनिसिटी, रेस, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, यही सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन्हीं चीज़ों पर काम किया है. जैसे हमारे पास यहाँ पे मार्गरेट मीड है, रुथ बेनेडिक्ट है, ये फेमिनिस्ट पे, इन्होंने फेमिनिज्म पे काम किया हुआ है. मिलिनोस्की है, इसने क्या कहते हैं फील्ड रिसर्च, फील्ड वर्क पे काम किया हुआ है. क्लिफर्ड गर्ट्स है, क्लिफर्ड गर्ट्स ने थिक डिस्क्रिप्शन, वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च पर काम किया है और यही सब हैं जिन्होंने आगे, और इसी के थ्योरी उन्होंने दी हुई है और इसी के आगे इन्होंने जो हमें मैरिज पे बताया हुआ है, फैमिली पे बताया हुआ है, और यही सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमारे पास फैमिली और मैरिज पे काम किया हुआ है. अब इसमें से अगर हम थीरीज का पार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास एथनिसिटी, रेस, फैमिली, मैरिज, रिलीजन सब कवर हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसी के अंदर सारा कुछ लाई करता है, इसी थीरीज वाले पार्ट से. अब नाउ इफ़ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इफ़ वी मूव ऑन टू द पेपर 2021, तो उसमें पहला क्वेश्चन था कि what are the four fields of anthropology and how are they related to each other. So ab iski outline maine provide ki hai, theek hai, jo paper jis tarah se aaya tha jisko attempt kiya ja sakta hai aur hamare paas acche points hain, theek hai. To sabse pehle aa jayega definition of anthropology, kyunki bahut basic baat hai ki aapko pata hona chahiye ki anthropology ki definition kya hai, aur aap zarur quote kar sakte hain kisi anthropologist ko, kisi famous anthropologist ko jisne, या किसी को भी जिसने एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया हो. अब जैसे कि टिम इंगोल ने बताया है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द फिलॉसफी विद द पीपल इन, ठीक है, मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो लोगों की बात करता है, जो कल्चर की बात करता है, जो स्टडी करता है कि हाउ ह्यूमन एंड कल्चर हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, तो इसकी बात करता है. अब इसके अंदर उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वट आर द फोर फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर. सो इसके अंदर आपने फोकस जो करना है वो एंथ्रोप एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, लाइक उसकी डेफिनेशन और इस सब के ऊपर नहीं करना, ये बहुत जेनेरिक बात है. आपने फोकस करना है फोर फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और उसके आगे उसकी सिमिलैरिटीज, आगे कैसे वो चारों जो फील्ड हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं. अब फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब उसमें क्या आ जाता है जी, इसको हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं और इसको हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं. क्यों? इसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं. इसको हम ह्यूमन बॉडी को आप कैसे कवर कर सकते हैं कि आप बताएंगे कि जो स्टडी हो रही है वो स्केलेटन के ऊपर आ जाती है, उसके अंदर डिफरेंट उसकी टाइप्स आ जाती हैं और उसको
कैसे कवर किया जा सकता है पेपर में, ये सब आपने अगर इसकी रीडिंग की होगी तो ही इसकी समझ आएगी। अब उसके बाद आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ व्हाट ह्यूमंस लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। अब जो जो रिसर्च होती है इसके अंदर डिगिंग करके जो हमें मटीरियल्स मिलते हैं इसके बारे में जो स्टडी होती है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, इट्स वेरी बेसिक। लिंग्विस्टिक का हमें पता, अब इसके अंदर सिम्बल्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमें जो वर्ड्स की फॉर्मेशन हुई है वो किस तरह से हुई है, वो कैसे रिलेट करता है कल्चर के साथ, डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे, हर कल्चर में कैसे एक डिफरेंट लैंग्वेज है, इसके ऊपर स्टडी है। फिर आ जाता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, जिसके अंदर हम सब कल्चर्स को पढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा वास्ट टॉपिक है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, जिसके अंदर वो बताते हैं कि कल्चर को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बताना है, हमने फोर फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बता दी, अब इसके अंदर हम बताएंगे कि इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कैसे ये फील्ड्स एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो अब हमें ये पता है कि फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, हमें ये पता है आर्कियोलॉजी क्या है, अब हमें ये भी पता है कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को हमने कैसे डिफाइन किया और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को भी। तो अब इसके अंदर हम सिमिलैरिटीज़ ये देख सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में हम एक एवोल्यूशन देखते हैं कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो एक्सटिंक्ट हुए, कैसे उनके एंसेस्टर्स बढ़े, कैसे अबाउजदाद और सारा कुछ इसके अंदर कवर होता है। आर्कियोलॉजी के अंदर डिगिंग के थ्रू करते हैं, अब जैसे मैंने ऑलरेडी सारा बताया। अब इसकी सिमिलैरिटीज़ है कि हम ह्यूमन चेंज को पढ़ें, हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में भी यही पढ़ें, हमने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में प्रिमिटिव कल्चर भी आता है, ठीक है, अभी कंटेम्प्रेरी भी आ जाएगा, ठीक है, फिर मिड ट्वेंटी सेंचुरी में कौन कौन से कल्चर हैं, सबकी स्टडी है इसके अंदर। तो सिमिलैरिटीज़ तो हमें नज़र आ रही हैं कि कैसे फील्ड एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। अब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कैसे रिलेट करती है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ, आप ये भी बता सकते हैं कैसे सिंबल जो है वो कल्चर के थ्रू हमें पता चलता है। जब आप एक जगह पे जाके रहेंगे वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनका इंटरेक्शन है, ये सब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है और इनकी सिमिलैरिटीज, ठीक है। और फिर उसके बाद हर कोई सब चारों कैटेगरीज जो हैं होलिज्म के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, वो कुछ किसी को भी एज एन इंडिविजुअल नहीं डील करती, लाइक एज अ सेपरेट एंटिटी बिल्कुल डील नहीं करती हैं, एज अ होल डील करती है कि और सब एक दूसरे को डिफाइन होते हैं, ठीक है, सब एक मतलब कि इसका मतलब ये है होलिज्म का कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये सब इस तरह से डील करती हैं इसको के जो कल्चर है हमारा वो कोई अलहदा नहीं है, ठीक है, वो एक इंटरकनेक्टेड है, वो हर चीज़ कोई भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। और यही चारों चीज़ें, यही चारों फील्ड जो हैं वो इसी बारे में बात करती हैं। फिर कल्चरल रिलेटिविज्म पे बात आ जाती है और इसके अंदर कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में का मतलब ये है, ये टर्म, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल रिलेटिविज्म वो होता है कि आप हर कल्चर को उसके अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे हैं, ना कि आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हो, ना कि उसके मतलब कि जो आप लेंस यूज़ कर रहे हैं किसी को भी किसी चीज़ को स्टडी करने का वो उसी कल्चर का है, ना कि आपके कल्चर का, ठीक है। और आप उसके अंदर उसी कल्चर को, उसके कल्चर को जो जिस कल्चर को भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसी टर्म्स में स्टडी करते हैं, कोई जजमेंट नहीं बनाते उस कल्चर के बारे में, ठीक है। और अगर हम फोर फील्ड्स को करते हैं, ठीक है, अगर इनकी रिसर्च करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि कोई भी फील्ड एंथ्रोपोलॉजी की किस कल्चरल रिलेटिविज्म के कॉन्सेप्ट पे चलती है, कोई भी इस तरह से नहीं करता कि वो अपनी जजमेंट पास करने लग जाएं, क्यों, क्योंकि वो किसी और कल्चर का है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे नहीं है। फिर कल्चर को तो सब स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर आप कल्चर के बगैर तो आप सिंबल्स तक और वर्ड फॉर्मेशन तक तो पहुंच नहीं सकते। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी आ जाती है, उसके बाद डाइवर्सिटी की ज़रूर बात करें कि हाउ लाइक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक डाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को फोकस करते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, तो उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया है। तो ये सब एक क्वेश्चन है, एक आउटलाइन है जिसके थ्रू आप एक क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट कर सकते थे 2021 के पेपर में।
अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करें तो ये क्वेश्चन इट वाज वेरी इजी, बट ये बहुत एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर क्योंकि इसके डिफरेंट आगे जो फॉर्म्स हैं वो कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि आपको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि डेफिनेशन क्या है डिसेंट ग्रुप की, ठीक है। अब डिसेंट ग्रुप क्या होता है इसको डिफाइन करें, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इट इज़ एनी पब्लिकली रिकग्नाइज सोशल एंटिटी, ठीक है, रिक्वायरिंग लिनियल डिसेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रियल और मिथिकल एंसेस्टर। अब एंसेस्टर क्या होते हैं, जो हम कहते हैं बाबा अजदाद की हम बात करते हैं, ठीक है, और उसकी एफिलिएशन चिल्ड्रन और पेरेंट्स के थ्रू कि हमारे दादा पर दादा, इस तरह से एक डिसेंट ग्रुप जो फॉर्म होता है वो उसको मतलब जो इस तरह से एक हमारा लिंक फॉर्म हो रहा होता है, हमारा कनेक्शन फॉर्म हो रहा होता है, उसको हम डिसेंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि मतलब कि इसके अंदर हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, बट इसके अंदर अभी हमारा फोकस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर नहीं है। हमारा उसने पूछा है हमसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप फंक्शंस ऑफ डिसेंट ग्रुप ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है, कि डिसेंट ग्रुप्स का क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है, आपको कैसे ओनरशिप मिलती है प्रॉपर्टी की, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ आ जाती है, ठीक है, चिल्ड्रन का लिंक बना सकते हैं आप, ठीक है, ये सब इसके अंदर कवर होता है, ठीक है। बट इसके आगे जो हम फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स हैं उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप है, यूनिलीनियल से हमें पता चलता है कि वो बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है कॉग्नेटिक, नॉन यूनिलीनियल कह लें या कॉग्नेटिक कह लें, डिसेंट ग्रुप आ जाता है, ठीक है। यूनिलीनियल के अंदर लिनेजेस, क्लैंस, फ्रेटरीज, मोइटीज, ये चार चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ, वरना ये बहुत लंबा एक टॉपिक है जिसको हम बहुत ज़्यादा लाइक हमें पूरा एक लेक्चर चाहिए इसको कवर करने के लिए। डिसेंट ग्रुप को लीनियजेस में हम इजी टर्म्स में हम कह देते हैं कि जो हम ट्रेस करते हैं अपनी लाइंस ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब डिसेंट क्या, टू दिस लाइक सेम एंसेस्टर, के हमारे जो अबावजदाद हमारे दादा पर दादा कौन थे, किस तरह से उनकी जो फॉर्मेशन हुई, हम भी लाइक हम अपनी लाइन को ट्रेस कर रहे हैं। अब वो किसी के थ्रू भी ट्रेस हो सकता है, वो मदर की साइड से ट्रेस हो सकता है, वो फादर की साइड से ट्रेस हो सकता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्लैंस पे। अब क्लैंस जो होते हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो भी एक्नॉलेज कॉमन एंसेस्टर को ही करते हैं, ठीक है। लिनेजेस और क्लैंस में डिफरेंस है। अब क्लैंस में ये डिफरेंस है कि वो कॉमन एंसेस्टर को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, और ये द क्लैंस कैन बी क्वाइट बिग, ठीक है, विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, क्लैंस छोटे नहीं होते, ठीक है। और इसके अंदर हम जब आप एंथ्रोपोलॉजी जब भी आप पेपर में लिख रहे हो, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लैंस के अंदर बताएं कि इन एग्जांपल दें कि जैसे नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स थे, उसका क्लैन था, ठीक है, उसको हम कैसे रिफर कर सकते हैं, उनकी एंशियंट लिनेज क्या थी, ये सब आपने बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रेटरीज, ठीक है, फ्रेटरीज होता है, अच्छा फ्रेटरीज का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ क्लैंस, ठीक है। अब क्लैंस में बड़ी चीज़ आ गई है फ्रेटरीज, ठीक है, फ्रेटरीज आ जाता है ग्रुप ऑफ क्लैंस जो किनशिप के थ्रू रिलेट कर रहा है, ठीक है। किनशिप का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ऑब्वियसली पेरेंट चाइल्ड ये सारा किनशिप में ही आता है, सिबलिंग्स, ठीक है। और फ्रेटरीज में आ जाता है कि दो तीन जो क्लैंस है वो मिक्स होके, ठीक है, मिल के किनशिप के थ्रू, ठीक है, इकोनॉमिक टाइज तो नहीं होते उनके दरमियान, बट वो इकट्ठे फॉर्म हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मोइटीज, ठीक है, मोइटीज भी लिंक्ड क्लैंस होते हैं, ठीक है, बट इसके अंदर आप बता सकते हैं कि दो क्लैंस ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और जिसके अंदर दो क्लैंस इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अंदर इकोनॉमिक टाइज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब पेपर के अंदर ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप बता रहे हैं, तो इसके साथ आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम शो कर देती हूँ, ठीक है, जिससे ये वाली, जैसे उसने हमें इस डायग्राम में बताया है कि पेट्रिलिनियल डिसेंट क्या है, और उसने हमें जब आप किनशिप का टॉपिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ट्रायंगल और सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप पेपर में इस डायग्राम को लास्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कर सकते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि मैट्रिलिनियल डिसेंट क्या है, मदर की साइड से कौन सी चल रही है, और पेट्रिलिनियल डिसेंट क्या है, फादर की साइड से कौन सी डिसेंट चल रही है। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है, बट पेपर में इसका ड्रॉ किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉग्नेटिक डिसेंट ग्रुप, जिसके अंदर बायलेटरल डिसेंट ग्रुप है, एम्बिलिनियल डिसेंट ग्रुप है, डबल डिसेंट ग्रुप है।
अब इसके अंदर हमारे पास तीन डिसेंट ग्रुप्स हैं जो जिसको मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ताकि इसको समझा जा सके कि हम बायलेटरल डिसेंट ग्रुप किसको कहते हैं. जो अब बायलेटरल डिसेंट ग्रुप, बायलेटरल का पता चल जाता है कि दो की बात हो रही है, ठीक है. अब उसने बताया, मतलब मैंने लिखा हुआ है कि जैसे इसकी बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि जब आप इक्वली अपने अपने आप को या रिलेट करो अपनी दोनों की साइड से, मदर की साइड से और फादर की साइड से. ऑब्वियसली हमें पता है डिसेंट ग्रुप चलता ही इस तरह से, मदर की साइड से या फादर की साइड से. सो इसके अंदर बायलेटरल के अंदर आप इक्वली दोनों की तरफ से रिलेट कर रहे होते हो, आप इक्वली उनके साथ आपका ताल्लुक होता है, आपकी एसोसिएशन इक्वली होती है. फिर आ जाता है एम्बिलिनियल डिसेंट ग्रुप. एम्बिलिनियल डिसेंट ग्रुप अब कौन सा होता है? इसके अंदर बताया हुआ है कि वो ऐसा डिसेंट ग्रुप जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है ना, उसके पास लाइक चॉइस होती है कि या तो वो मदर्स की साइड, मदर्स की लाइक कि वो मदर्स की साइड से डिसेंट ग्रुप में आ जाए या फिर फादर की साइड से डिसेंट ग्रुप में आ जाए, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है डबल डिसेंट ग्रुप, ठीक है. अब इसके अंदर इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो इंडिविजुअल कोई भी होता है ना, वो इनहेरिट करता है एक कोई स्पेसिफिक चीज़, ठीक है, मदर की साइड से और एक स्पेसिफिक चीज़ फादर की साइड से. जैसे मैं एग्जांपल भी दी है, इसके अंदर एग्जांपल्स देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर नहीं समझ आएगा कि आप पेपर में एग्जैक्टली बात किस चीज़ की कर रहे हो. तो इसके अंदर मैंने जैसे बताया है कि लैंड फ्रॉम फादर साइड एंड कैटल फ्रॉम द मदर साइड, ठीक है, कि आपको एक चीज़ जो इनहेरिटेड मिल रही है वो क्या मिल रही है, लैंड मिल रही है फादर की साइड से और मदर की साइड से कैटल मिल रही है, ठीक है. इस तरह से आप इसको पेपर में लिख सकते थे. अब इसका जो फॉर्मेशन थी वो इस तरह से थी क्योंकि आपने टू द पॉइंट बात करनी है, लाइक आपने जो उसने पूछा है आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स बताने हैं. ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया. अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे. अच्छा, ये क्वेश्चन जो था ये स्पेसिफिकली आया था रेस और एथनिक के एथनिक के टॉपिक से. अगर आप इसकी प्रॉपर एंथ्रोपोलॉजी के परस्पेक्टिव से रीडिंग करते करें तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक सोशियोलॉजिस्ट ने बताया था कि किस तरह से हम रेस और एथनिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और उनको कैसे उसने आगे बताया कि किस किस तरह से सोसाइटीज़ जो हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं आपस में इंटीग्रेट होती हैं, एसिमिलेशन होती है और मार्जिनलाइजेशन उसमें और भी होती हैं, एक्सक्लूजन आ जाती है. और लेकिन जब उसने पूछा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने पूछा है कि क्वेश्चन किया कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसिमिलेशन इंटीग्रेशन एंड मार्जिनलाइजेशन विद एग्जाम्पल, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है. आप एग्जाम्पल्स वेस्टर्न भी दे सकते हैं, ठीक है. आप एग्जाम्पल्स वो भी दे सकते हैं जो हिस्टोरिकल हैं, ठीक है. आप वो भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो पाकिस्तान से हैं, ठीक है. इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा लगता है सूटेबल हैं. बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिमिलेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है और मार्जिनलाइजेशन क्या है, ठीक है. अब इसके अंदर एसिमिलेशन जो है, एसिमिलेशन को हम बेसिक मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि अ रेशियल और एथनिक माइनॉरिटी इज एसिमिलेटेड और एब्जॉर्ब इनटू वाइडर सोसाइटी, ठीक है. अभी कोई छोटा ग्रुप है, ठीक है, माइनॉरिटी है और वो वाइडर सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, एक बड़े ग्रुप के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है. जिसके अंदर अब ये हो सकता है कि डिफरेंट एसिमिलेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, सोशल हो सकती है, रेशियल हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, ठीक है. तो और ये हो सकता है ये पीसफुली भी होती है, ठीक है. जैसे इसकी एग्जांपल मैंने बताई है कि एशियन और पैसिफिक एथनिक ग्रुप्स थे जो हवाइन सोसाइटी में अपनी पीसफुली एब्जॉर्ब हो गए थे, मिल गए थे, ठीक है, कुछ काफ़ी सेंचुरीज पहले, ठीक है. सिमुलेशन ये होगी. इसके साथ आप और एग्जांपल्स दे सकते हैं. इसके लिए आपका नॉलेज वास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिमुलेशन है क्या, रेशियल सिमुलेशन क्या होती है, सोशल सिमुलेशन क्या होती है और कल्चरल क्या होती है, क्योंकि तीनों में ऑब्वियसली बहुत फर्क है. अब इसकी बात होगी, अब इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है. अब फिर आप आ जाएंगे इंटीग्रेशन पे. अब इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन का तो हमें वर्ड बेस ही हमने सुना हुआ है ना कि इंटीग्रेशन में होता है कि सब मेंबर्स जो होते हैं किसी भी सोसाइटी के इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल और कल्चरल लाइफ में जो होते हैं वो इक्वली इंगेज हो रहे हों ताकि वो उनको हर तरह से लाइक नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे सब उनको फ़ायदा उठा सकें, एडवांटेज ले सकें हर चीज़ का, ठीक है. और
क्योंकि सोसाइटी बहुत डाइवर्स होती है और ये तो कहीं भी हो सकती है और ये हर जगह होता है, ठीक है. तो मैंने जैसे एग्जांपल में आप स्पेसिफिक एग्जांपल दें, ठीक है, जेनेरिक बिल्कुल भी नहीं. अब बताएं कि कौन सा कोई ग्रुप है, कोई कल्चर है, कोई रेस है, कोई एथनिसिटी है, ठीक है, वो सोशली जो इंटीग्रेट हुई है तो वो कौन सी है, ठीक है. क्योंकि और फिर उसके बाद आ जाता है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है. मार्जिनलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, ठीक है. इसका मीनिंग तो आप अगर एंथ्रो में ना भी पढ़ें तो आपने वैसे ही बहुत ज़्यादा सुना होता है. तो इसके बाद हमें पता चल जाता है कि कोई एज अ ग्रुप, ठीक है, कोई जो एक्सक्लूड हो जाए, ठीक है, मतलब कि उसको बेनिफिट्स ना मिल रहे हों, वो एक्सक्लूड है, वो आइसोलेटेड है, ठीक है. अब हम माइनॉरिटीज़ की इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है, हम इसमें पाकिस्तान, इंडिया, हम उनके कास्ट सिस्टम, लेकिन हम बता सकते हैं कैसे लोग मार्जिनलाइज होते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है. फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से कंपेयर आप कर सकते, हम इनको कंट्रास्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स, ठीक है, कि इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ हुई है, मार्जिनाइजेशन कहाँ कहाँ हुई, असिमिलेशन किस तरह से हुई, मार्जिनाइजेशन अब क्यों होती है, आप उसके रीजन दे सकते हैं, ठीक है. तो एक क्वेश्चन नंबर 3 वाज इजी, ठीक है, बट अगर आप रेस और एथनिसिटी के उसके पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ा हो तो आपको ज़्यादा ईजिली अच्छा समझ आ सकता है. अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो वो था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, ठीक है, कि व्हाट आर सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटिफिकेशन इन अ सोसाइटी डिस्कस विद रेफरेंस टू पाकिस्तान. अब इसके अंदर उसने हमें ओपनली बता दिया है कि हमने पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करनी है, ठीक है. आप एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं उसकी, बिल्कुल मतलब बता दें कि वेस्ट में कैसे हुआ, बट टू ओनली टू कंपेयर विद पाकिस्तान, ठीक है. तब आप उसके, आपको तब भी नंबर मिलेंगे जब आप बात करेंगे उस पर्सपेक्टिव से जो पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से अगर आप प्रेफर करें, ठीक है. अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जी सोशल सर्टिफिकेशन क्या होती है, ठीक है. अब इसके अंदर सोशल सर्टिफिकेशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जब आपको लोग आपको एक रैंक और ऑर्डर जो होता है डिफाइन किया जाता है, ठीक है, बट उसी रैंक और ऑर्डर की वजह से लोगों में डिफरेंट पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ जो होती है ना, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लाई करती है, ठीक है. अब इसका मतलब ये है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ की वजह से हो सकती है कि किसी ग्रुप के पास वेल्थ ज़्यादा है, किसी के पास पावर ज़्यादा है. कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज तीनों ज़्यादा हैं, ठीक है, और कैसे वो डोमिनेटिंग है, कैसे वो एक कल्चर को डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे वो जो जिनके पास वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज नहीं है वो माइनॉरिटी बन गए हैं, ये सब सोशल सर्टिफिकेशन है. फिर उसके बाद आ जाता है कि आप इसको, मैंने जैसे बताया कि मैक्स वेबर भी इसी तरह यही क्राइटेरिया यूज़ करते हैं टू मेजर सोशल इनइक्वालिटी. आप मैक्स वेबर, आप थियरिस्ट को लाजमी, आप किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, आप किसी भी थियरिस्ट को ज़रूर रिलेट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि इससे आपकी बात की अहमियत ज़्यादा होगी, ठीक है. अब आपने बता दिया कि वेल्थ क्या है, मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आपको बता दिया कि वेल्थ कैसे है, पावर कैसे, प्रेस्टीज कैसे. अगर आप ये नहीं भी देंगे तो कोई ये नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे, बट इट्स अ प्लस पॉइंट, ठीक है. फिर उसके बाद आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि फंक्शनलिस्ट थेरी और कॉन्फ्लिक्ट थेरी क्या है, ठीक है. अगर आप ये बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, ठीक है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट मैंने मेंशन कर दिया कि आप इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थेरी और फंक्शनलिस्ट थेरी भी बता सकते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट थेरी स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में क्या कहती है और फंक्शनलिस्ट थेरी स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में क्या कहती है, ठीक है. बट इससे पहले हम सबसे पहले बट इससे पहले हम बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो स्ट्रेटिफिकेशन इन अ सोसाइटी में. अब हम चलते हैं कि अच्छा, अब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ना स्ट्रेटिफिकेशन के, वो आ जाते हैं कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम, ठीक है. अब इसके अंदर कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम कैसे हैं, ठीक है. अब आपने इसमें बताना है कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कि ऐसी मतलब कि कास्ट सिस्टम का तो हम सब जानते हैं कि जो हम जब हम पैदा होते हैं बाय बर्थ हमें एक कास्ट होद मिल जाती है, ठीक है, और हम उसी पूरी ज़िंदगी हम उसी में रहते हैं, ठीक है. हमारा कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी हमारा लाइक हम किसी भी जगह पर रहते हैं, अगर हमें वो कास्ट मिल गई है तो हम यूजली उसमें मूव नहीं करते, ठीक है. और फिर ये है कि कास्ट सिस्टम इन पाकिस्तान बताना है. अब आप बताएं कि ब्रादरी सिस्टम है, इसके अंदर कास्ट हम यूज़ करते हैं कि धोबी, चूरा, राजपूत, मुगल, गुज्जर. आप इनके कंपैरिजन बता सकते हैं कि हाउ इन पाकिस्तान ये कास्ट मतलब कि इनको देखा जाता है, ठीक है, कैसे एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है. फिर ये होता है कि कैसे, अब जैसे इसके अंदर मैंने ये भी बताया कि कास्ट सिस्टम जो है वो स्क्राइब स्टेटस से एसोसिएटेड है, मतलब कि एक चीज़ आपको जो इन मतलब कि मिल गई है बाय बर्थ ही, ठीक है, आपने अचीव नहीं की, ये कोई भी अचीव नहीं करता, बाय बर्थ आपको मिल जाती है, ठीक है. आप पाकिस्तान से इसको रिलेट करें, इनकी जो इसको इसके
कास्ट सिस्टम की बारे में, बरादरी सिस्टम कैसे गांव में एग्जिस्ट करता है आप बता सकते हैं, ठीक है? आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके साथ ही आ जाता है क्लास सिस्टम, ठीक है? क्लास सिस्टम तो ज़्यादा इजी हमारे पास एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि जैसे क्लास सिस्टम हमें पता है वो एक सोशल फैक्टर्स और डिफरेंट इंडिविजुअल अचीवमेंट्स हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है? वेल्थ आ जाती है क्लास सिस्टम में, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है? इसके अंदर आप लोग डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन एक्वायर करते हैं और फिर जी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, अच्छी जॉब्स के थ्रू, अच्छी स्किल्स के थ्रू आप अच्छे स्टेटस पे मूव कर सकते हो। इसलिए ये क्लास सिस्टम को हम हमेशा अचीव्ड स्टेटस पे लिंक करते हैं, ठीक है? बट इसके बाद हम बताएंगे कि क्लास सिस्टम कैसे इन पाकिस्तान में डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है? हम अपर क्लास के बारे में, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, इन सब के बारे में आप बताएं, आप सब इन सब की एग्जांपल्स दें, फिर आप बता सकते हैं कि कैसे US में भी यही एग्जैक्टली क्लास सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है? और कैसे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अपर क्लास में लाई करती है, आपको ये पता हो तो आपको प्लस पॉइंट है अगर आप ये बता सकें पाकिस्तान में इतनी अपर क्लास है, इतनी अपर मिडिल क्लास है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लास्ट में बताएं, बट अगर आप बता दें तो प्लस पॉइंट है, ठीक है? ये फैक्टर्स आगे कि आपने बता दिया कि दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटिफिकेशन इन अ सोसाइटी, ठीक है? और आपने पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से बात करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अब जो आया था, ये आया था लास्ट हमारा जो पार्ट है ना, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है? अब इसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा लाइक वो स्पेसिफिक हो गया था जिसके अंदर, और ये उससे भी आया है, हम थेरिस्ट वाला जो पार्ट था, थेरीज वाला, उससे भी आया है, ठीक है? अब वो मैं बता देती हूँ कि कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में नज़र आता है, ठीक है? अब वो बस पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 5 अब है क्या, कि हु प्रपोज द आइडिया ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च एज थिक डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, ठीक है? अब सबसे पहले आपने, उसने मेन क्वेश्चन ही पूछ लिया है कि थिक डिस्क्रिप्शन का आइडिया दिया किसने था, ठीक है? अब थिक डिस्क्रिप्शन अगर आपने थेरीज तैयार की होंगी तो आपको पता होगा कि क्लिफर्ड गेट्स ने ये आइडिया दिया था थिक डिस्क्रिप्शन का, ठीक है? अपना जो उसने एक एसे लिखा था, ठीक है, थिक डिस्क्रिप्शन टू वर्ड एंड इंटरप्रेटिव थेरी ऑफ कल्चर, ठीक है, 1970s में, ठीक है? और फिर उसके बाद वो कैसे, ठीक है, जब आप क्लिफर्ड गेट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की हुई है। फिर उसके बाद उसने पूछा है कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च कैसे डिस्क्राइब करती है थिक डिस्क्रिप्शन को, ठीक है? और हम एग्जांपल्स के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद, अब उसने आपका जो सारा फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च होती है वो कैसे थिक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? थिन डिस्क्रिप्शन नहीं है वो, तो आप इसका कंपेरिजन दे सकते हैं, ठीक है? बट सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि ये थिक डिस्क्रिप्शन यूज़ होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है? उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि ये कैसे एक टेक्निक है जो राइटिंग के अंदर यूज़ होती है, ठीक है? आप किसी भी सिचुएशन में बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जब आप फील्ड में जाते हो, ठीक है, तो आप किस तरह से एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हो वो थिक डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ठीक है? कि आप किस कौन कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है? आप कैसे एक इंडिविजुअल और ग्रुप का जो कॉन्टेक्स्ट आप बनाते हो, ठीक है, आप उसको कैसे बनाते हो, थिक डिस्क्रिप्शन उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने एक एक एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे मैंने इसके अंदर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए बस दे दी कि व्हेन ऑब्जर्विंग एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, अ रिसर्चर नीड्स टू एक्सप्लेन द मोटिवेशंस बिहाइंड द टू पीपल आर्ग्यूइंग। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट सी एन आर्ग्यूमेंट टुक प्लेस, देयर मे बी हिस्ट्री बिटवीन द टू पीपल और अ पावर स्ट्रगल विद इन अ ग्रुप दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड टू मेक द डिस्क्रिप्शन थिक, ठीक है? अब कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो जाता है फील्ड में वो ऐसे नहीं करता कि उसने एक सिचुएशन देखी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ज़रूर होती है, बट अगर उसने एक एक सिचुएशन देखी तो ऐसे नहीं होगा कि वो बस उस सिचुएशन को एज इट इज़ किसी बैक एंड को देखे बगैर, किसी बैकग्राउंड को देखे बगैर, उस कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर अपने फील्ड नोट्स बना ले। वो उनको बना सकते हैं बट ओनली एज अ लाइक उसको सिर्फ मदद मिले थोड़ी सी कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन में हुआ क्या था, बट उसके लिए उस स्पेसिफिक इंसिडेंट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब जाता है फील्ड में तो वो समझे कि हिस्ट्री क्या है किसी भी दो ग्रुप्स के दरमियान, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है? और यही थिक डिस्क्रिप्शन है और यही क्लिफर्ड गर्ट्स कहते हैं इसके बारे में, ठीक है? ठीक है, अब उसके बाद अब जो
रिसर्चर होता है वो फील्ड में जाके सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बस कंक्लूड कर देता, ठीक है, वो करता ज़रूर है, ठीक है, बट उसके बगैर प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, ठीक है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है जो वो फॉलो करता है, ठीक है, जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, ठीक है, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमें लोगों के बारे में भी पता चल रहा होता है, हमें पता चल रहा होता है कि उनका रिसर्च किस पर की गई हुई है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके इशूज़ क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, ये सब, ठीक है. अब ये सब थिक डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं और यही चीज़ आती है कि आपने एग्जाम्पल्स बतानी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मिलिनोस्की जो है वो फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कि मिलिनोस्की किस तरह से फील्ड वर्क के ऊपर काम करता था, ठीक है, उसकी स्टोरीज़ क्या थी, आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है. और जैसे जैसे रुथ बेनेडिक्ट है, मार्गरेट मीड है, ये लोग भी फील्ड में गए थे, ठीक है, इन लोगों के बारे में बात करते हैं, आप डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने थिक डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम किया, ठीक है, क्लिफर्ड गर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे दूसरों के ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये सब आप एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू आप पेपर अटेम्प्ट अच्छा कर सकते हैं, ठीक है. अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. अब इसके अंदर हम ये क्वेश्चन भी रिसर्च के उससे आया था पर्सपेक्टिव से. अब इसके अंदर आ जाता है कि व्हाट मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिसर्च इन अदर सोशल साइंसेस, ठीक है. अब इसके अंदर आ जाएगा कि आपने बता देना है कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च होती किस में है, ठीक है, आप बता देंगे कि जी फील्ड वर्क होता है, आप बता देंगे कि जो हमारा सेंट्रल एक्टिविटी होती है वो फील्ड वर्क होती है, इसके अंदर आप क्वालिटेटिव की बात ले आएंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बताने लग जाएंगे, आप इसको सोशल साइंसेस के साथ जो उनका जो लैब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सैम्पलिंग सब इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट इससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बताएँ कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च खुद कैसे डिफरेंट है, ठीक है, क्या मैथड्स यूज़ होते हैं उनके कि वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है. अब जैसे मैं इसके अंदर आप बता सकते हैं प्री फील्ड वर्क क्या होती है, ठीक है, प्री फील्ड वर्क में आ जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप जाने से पहले कि आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी रिसर्च आपने की हो, ठीक है, आपने अगर किसी कोई पहले वहाँ पे जा चुके और कोई कोई आर्टिकल कोई जर्नल कोई ऑलरेडी पब्लिश्ड है आप उसको पढ़ा हो आपने, ठीक है, ताकि आपको अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स का उनका पता होना चाहिए, फिर लिटरेचर रिव्यू आर्काइवल रिसर्च, ठीक है, आप फिर उसके साथ आप कंपेरेटिव स्टडीज़ ऑफ द कल्चर, आप डिफरेंट कल्चर्स की आपस में कंपेरिजन करके उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, ये सब प्री फील्ड वर्क है, ठीक है, ये सब एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के लिए यूज़ होती हैं. फिर उसके बाद आ जाता है जो मेथोडोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं बाय लाइक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, जैसे मिलिनोस्की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज़ करता है जब वो फील्ड में जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, सर्वेज आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, वो सब आ जाते हैं, ठीक है, फिर कलेक्शन ऑफ लाइफ हिस्ट्रीज़ हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ इन नेचुरल सेटिंग हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि ये मेथड्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ होते हैं, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशल साइंसेज रिसर्च. जब सोशल साइंसेज रिसर्च में साइकोलॉजी आ सकती है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आ सकती है, आप उनको कंपैरिजन कर सकते हैं उनके साथ आपके कैसे डिफरेंट रिसर्च हैं, ठीक है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट का पता हो कि उन्होंने कहाँ कहाँ फील्ड वर्क किया हुआ है, उन्होंने कहाँ कहाँ रिसर्च की हुई है, कौन कौन से डिफरेंट एरियाज़ में, कौन से कल्चर में, ये सब पता होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट इट्स अ वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, और आप बता सकते हैं कि ये सब बताना इस पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, आप फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है, ये सब जो है ये मेथड्स ही डिफरेंट आपको अलहदा कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सोशल साइंसेस से, ठीक है, और कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेट भी करते हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, ठीक है. अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे लास्ट क्वेश्चन पे. अच्छा, ये था कि डिस्कस रिलीजन इन सुपर नेचुरल बिलीव्स अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ठीक है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है क्या, ठीक है,
अब एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव, अब इसके अंदर भी उन्होंने डिफरेंट थेरीज को कंपेयर किया है, ठीक है, थेरीज को और रिलीजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू को रिलेट किया. अगर तो आपने एवोल्यूशन और इन सब को पढ़ा होगा, ठीक है, थेरीज के अंदर, तो आपको खुद भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो किस किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इसके अंदर आपको पता होना ज़रूरी है कि रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो रिलीजन और सुपर नेचुरल बिलीव्स हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव उसका क्या है, ठीक है, और कौन किसने प्रपोज किया था एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव रिलीजन में, ठीक है. अब वो हमें पता होना चाहिए कि टाइलर ने प्रपोज किया था, ठीक है, फिर उसने कैसे डिफाइन किया था रिलीजन को, ठीक है, उसने सिंपल बात कहा था कि बिलीफ एंड स्पिरिचुअल बींग्स, ठीक है. अब उसने डिफरेंट स्टेजेस बताई थी एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन की, जो ही इसका मेन जवाब है, ठीक है. आपने ये बताना है कि कैसे वो एनिमिज्म से पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म की तरफ मूव करते हैं. फिर आपको पता होना चाहिए कि एनिमिज्म क्या है, ठीक है. एनिमिज्म बेसिकली वो ऐसे डिफाइन कर देता है कि जैसे कोई भी सोल या कोई भी जो हायर पावर है वो किसी भी चीज़ में एग्जिस्ट कर सकती है, किसी भी क्या कहते हैं, किसी चीज़ में एग्जिस्ट कर सकती है, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है. वो इस तरह से उसको डिफाइन करता है, वो उसको बताता है कि वो लाजमी नहीं है वो किसी इंसान में ही हो, ठीक है. वो एनिमिज्म की स्टेज होती है, ठीक है. फिर उसके बाद वो पॉलीथिज्म पे चला जाता है. हमें पता है कि पॉलीथिज्म को कैसे डिफाइन करना है, आपको बताना पड़ेगा कि पॉलीथिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. इसके बगैर तो आप नहीं आगे चल सकते. एनिमिज्म के बाद वो पॉलीथिज्म की तरफ मूव कर जाता है कि ठीक है कि जैसे जो बिलीफ होता है पॉलीथिज्म को, मैं आपको बता देती हूँ कि एक ऐसा बिलीफ के जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा गॉड को वर्शिप करें, ठीक है, उसके बारे में वो कहने लग जाता है कि फिर आप उसके अंदर मूव कर जाते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद मोनोथिज्म, मोनोथिज्म ये होता है कि बिलीव इन वन गॉड ना. फिर उसके बाद इसी एवोल्यूशन के बारे में आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि टाइलर कैसे बताता है कि किस स्टेजेस के थ्रू आप एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन को से गुजरते हैं, ठीक है, और कैसे जो सिविलाइज पीपल हैं वो मोनोथिज्म को फॉलो करते हैं, बारबेरियंस जो हैं वो पॉलीथिज्म को, और एनिमिज्म का प्रैक्टिस होता है, कैसे ये एवोल्यूशन हुई इस कॉन्सेप्ट की, ये सब इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपने डिस्कस आपने लिखना था, ठीक है. आप रिलीजन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. आप ये सारा क्वेश्चन टाइलर के परस्पेक्टिव से आपने करना है, और ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपको टाइलर की थ्योरी नहीं समझ आएगी. आपको जब तक ये नहीं समझ आएगा कि एनिमिज्म क्या है, पॉलीथिज्म क्या है और मोनोथिज्म क्या है, ठीक है. ये 7 क्वेश्चंस थे, ठीक है. तो आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगी टू सी के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, किस परस्पेक्टिव से किया जा सकता है, और हम कैसे इसको डिफरेंट, हमें एंथ्रोपोलॉजिकल थेरीज के बारे में पता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. जो जब आपको ये पता होगा तो आप कैसे क्लासिकल थेरीज और मॉडर्न थेरीज और जितने भी थेरीज हैं इनको आप बाकी परस्पेक्टिव से रिलेट कर सकते हैं, बाकी जैसे किनशिप से, मैरिज से, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिलीजन सबसे. तो अभी के लिए काफ़ी है, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं. थैंक यू.